हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामा सराय, वेलकम एट जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर लास्ट में सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, ठीक है? और इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद तर्क रीजनिंग के साथ महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन है कि बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट। इसमें हम कौन सा ऑप्शन इंसर्ट करें जिससे हमारा जो आंसर हो बेस्ट सुटेबल हो। मोर होगा, मोर बेटर, आर द बेटर, आर अ बेटर, क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, राइट? तो राइट आंसर विल बी सी। जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, क्योंकि अ बेटर सॉल्यूशन, एक किसी भी समस्या का एक बेहतर जो सॉल्यूशन होता है, अ बेटर सॉल्यूशन, राइट, कैन स्टिल बी वर्कड आउट, बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ठीक है? ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देयर इज हार्डली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज हार्डली रीजंस टू डाउट हिज इंटेंशन। तो बताइए क्या हो सकता है, सम क्या आपको सही लग रहा है, मच सही लग रहा है, एवरेज सही लग रहा है, एनी सही लग रहा है, बताइए। तो हार्डली जो होता है ये क्या सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है। तो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यू, ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, व्हिच वन इज द राइट आंसर, सही क्या है, क्या ही इज अ लास्ट कैंडिडेट सही लगेगा या द होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी आर्टिकल को इंसर्ट करते हैं, राइट, तो डेफिनेटली लास्ट, फर्स्ट, राइट, इनके पहले हमेशा और हमेशा हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप देखिए यहां पे इंसर्ट करेंगे, ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यू, ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, तो सही ऑप्शन आपका राइट क्या होगा, द होगा, ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। तो बताइए, ऑल स्टूडेंट सही पड़ेगा, मच होगा, ईच होगा, अ फ्यू होगा, सोच के बताइए। आंसर को आप प्लीज एंड प्लीज सेंड करते रहिए, मैं एक एक आंसर को अच्छे से देखूंगा कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। डोंट टेक ऑल द क्वेश्चंस लाइटली, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेंगे, सीरियसली लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो अपना सेपरेट ही भरते हैं, हर लड़का अपना अपना ही फॉर्म भरता है और अपना ही अपना फॉर्म भरना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो सकता है, बेस्ट जो होगा वो होगा ईच होगा। तो अगर आप ईच को रख करके पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर बेहतर समझ में आएंगे, कैसे कि ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, राइट। ईच का मतलब होता है प्रत्येक बच्चा अपना ही फॉर्म भरेगा, किसी और का नहीं भरेगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। तो बताएं क्या होगा इसमें, द फ्यू पीपल, एवरी, मच, एनी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक आप अक्सर यूज पढ़ते हैं फ्यू, राइट, अ फ्यू, और दूसरा होता है, लास्ट होता है द फ्यू। कम ऑन गाइस, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि बात को समझने की कोशिश करिएगा, फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू, राइट। तो फ्यू का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल के लिए किया जाता है, राइट, राइट। अ फ्यू का अर्थ क्या होगा कि थोड़ा सा न के बराबर, थोड़ा सा न के बराबर। इसे मैं आपको उदाहरण दूं,
कि जैसे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने कहा सर हैव यू सम मनी, तो मैंने कहा या मनी तो खैर उसमें यूज होगा लिटिल में, हैव यू सम बुक्स है ना, तो मैंने कहा कि हाँ आई हैव फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं, एकाक किताबें हैं, जब हमें किताबें 20 25 50 की आवश्यकता है, लेकिन एकाक किताब है जो कि मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है। एक किताब से क्या काम होना है, मेरे अगर 6 विषय हैं या 7 विषय हैं या 25 किताब में चाहिए। और ऑफ यू का अर्थ क्या होता है कि जितनी मेरी आवश्यकता है उसका 50% है, ध्यान दीजिएगा जितनी मेरी आवश्यकता है वो 50% है, तो ये हो गया ऑफ यू। और द फ्यू का मतलब जितनी भी किताबें मेरे पास हैं, जितनी भी मैं अपना खरीद सका हूं, खरीद लिया हूं, फिर भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, द फ्यू। अगर आप द फ्यू को इंसर्ट करके रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, द फ्यू पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, मतलब जो कुछ लोग आए भी थे प्रोग्राम में लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई डू नॉट वॉट ही वॉन्ट्स, क्या होगा इसमें बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, पहले आप कोशिश करिए फटाफट आंसर को टाइप करके भेजिए, गलत सही जो भी आए, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी बताइए। तो डेफिनेटली अगर आई डू नॉट है तो आप क्या लगाएंगे, आप जानते ही हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू नॉट लग गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, I do not know, आप भर दीजिए आंसर को, समझ में आ जाएगा, I do not know what he wants, मुझे नहीं पता है वो क्या चाहता है, I do not know what Ritu wants, I do not know what Nishamina wants, I do not know what Mr. Bhati Bhagwat Singh wants। तो बड़ा आसान से आप प्रैक्टिकली आप लर्न करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, प्रैक्टिकली लर्न करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी द जॉब लास्ट ईयर, शी जॉब द लास्ट ईयर, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा शी लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा जब भी किसी भी टेंस में लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट वेंसडे कुछ भी आए तो बहुत आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। तो अगर आप इस सेंटेंस को यहां रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, आई लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, यू लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर। ठीक है, तो आई थिंक इजली यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मेनी अ फ्लावर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेनी अ फ्लावर डैश डैश करके बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, कम ऑन बताइए क्या होगा, बहुत ही जैसे होता नहीं कि इसका अर्थ क्या होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग है ना, मेनी अ फ्लावर बॉर्न टू बी है ना, मेनी अ फ्लावर बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, मेनी अ फ्लावर इज हो जाएगा, ठीक है, मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लावर थे जो खिले तो लेकिन देखे नहीं गए, बहुत सारे लोग दुनिया में टैलेंटेड पैदा हुए लेकिन वो अपने टैलेंट को दिखा ही नहीं पाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत बार कराया है, और पहले आप कोशिश करो फिर मैं आपको आंसर देता हूं, क्या होगा, आर होगा, वर होगा, इज होगा, बी होगा। सिंपल सी बात है कि वन ऑफ माय बुक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है गाइस कि वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन प्लूरल होता है, क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें मेरे पास है ना, तो मेरी कहने का मतलब यह है बहुत सारी किताबों में से, मेनी ऑफ माई, वन ऑफ माई बुक्स, उन किताबों में से केवल एक क्या हो गई है, खो गई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्लियर है।
कि वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, मेरे पास जितनी किताबें थी मैं ढूंढ रहा था एक दिन, सभी तो मिल गई लेकिन एक नहीं मिली, राइट? तो बेस्ट आंसर एच होगा, ठीक है? जल्दी से आंसर को सेंड करिए आप लोग फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी, एकदम आंसर को बेहतर ढंग से सेंड करो बेटे, हर्री अप प्लीज, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कितना अच्छा है। दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, क्या हो जाएगा इसमें? कम ऑन जल्दी बताइए, आंसर को सेंड करिए, राइट रॉन्ग कोई बात नहीं है। तो दे हैव बीन वेटिंग, सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? वेट अ मिनट प्लीज, क्या होगा राइट आंसर आप लोग बताइए? कि दे हैव बीन वेटिंग, राइट, दे हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा दे हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू वोकन अप अर्लियर यू सी अ ब्यूटिफुल सनराइज, कहते हैं अगर आप सुबह उठे होते तो बहुत ही सुंदर है ना दृश्य देखा होते, देखे होते आप, राइट? ना आप सुबह उठे ना ही आपने दृश्य को देखा, तो क्या हो जाएगा? हैड यू वोकन अप अर्लियर यू वुड हैव, क्या हो जाएगा? तो डेफिनेटली वुड हैव हो जाएगा, यू वुड हैव, ठीक है? You would have, very nice question है, अक्सर ये आता ही है question में, right? कि if अगर आप जग चुके होते तो आप देख चुके होते, ना आप जगे ना आप देखे। अगला question है, until his work he will not be allowed to go, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? Finishing will have finished not finish, क्या हो जाएगा? Until he, क्या हो जाएगा? Until शर्त है ना, until he finishes, until he finishes है ना his work, मतलब जब तक वो अपने काम को खत्म नहीं करेगा तब तक वह क्या होगा, क्या नहीं कर पाएगा? He will not be allowed to go, तब तक उसे जाने की इजाजत होगी ही नहीं, तब तक उसे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, ठीक है? Okay, let's go for the next question. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मच सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, क्या हो जाएगा बताइए? मच हैपेंड, मच वॉज हैपेंड, मच हैज हैपेंड, बताइए क्या होगा? तो डेफिनेटली मच हैज हैपेंड होगा, सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, मच हैपेंड, क्या हो जाएगा? टेल मी द राइट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा? मच हैज, वेट, मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ तब से हुआ जब से ने आपने इस स्थान को छोड़ा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। आई थिंक, ध्यान सुनिए, आई थिंक यू टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, आई थिंक क्या होगा? यूज्ड, नीड, मस्ट, शुड, आपके अनुसार सबसे बेस्ट कौन सा होगा? आई थिंक यू मस्ट सी अ डॉक्टर, आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर, बताइए क्या होगा? देखिए आई थिंक जब लग गया, जैसे मैंने अगर फादर कहता बेटे से या बॉस एम्प्लॉय से कहता तब तो हम वहां पे मस्ट लगाते, लेकिन यहां पे क्या होगा? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड, क्या हो जाएगा? यू नीड टू सी अ डॉक्टर, कि आपको एक डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, आप अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीड होगा आएगा, आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर, राइट? अब बताइए इसमें क्या होगा? यू बी टायर्ड आफ्टर सच लॉन्ग जर्नी, बताइए इसमें क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, ऑप्शन ए सही है आपके हिसाब से, ऑप्शन बी सही है बेटे, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, कौन सा होगा? कोई भी गलत सही सेंड करिए फटाफट आंसर को, कोशिश करिए, ट्राई टू सेंड योर आंसर इमीडिएटली एंड क्विकली। तो जो बेस्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा मस्ट, है ना? अब आप इस आंसर को इंसर्ट कर लीजिए, यू मस्ट बी टायर्ड, आप निश्चित रूप से थक गए होंगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी यात्रा तय किया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे,
ओपन द डोर सो दैट वी मे कम इन. क्या होना चाहिए? ओपन द डोर सो दैट वी मे कम इन, मस्ट कम इन, कैन कम इन, क्या हो जाएगा? ओपन द डोर सो दैट वी कैन, क्या होगा? मस्ट होगा, नीड होगा, विल होगा. तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैन जो है वो सबसे बेस्ट है. तो यहां पे आप लिखेंगे ओपन द डोर सो दैट वी कैन कम इन, प्लीज ओपन द डोर सो वी कैन कम इन, प्लीज ओपन द डोर सो वी कैन कम इन, राइट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, he said that he had not a more enjoyable movie. He said that he had not, क्या हो जाएगा? अरे सिंपल सा है, अगर आप कोशिश करेंगे लगा लेंगे. बहुत ही सरल क्वेश्चन है. कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप प्लीज, जल्दी करिए, जल्दी करिए. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात, अगर हैड लग गया है तो हैड के बाद जानते हैं आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे ही सेड दैट ही हैड नॉट सीन अ मोर एंजॉयबल मूवी, उसने कहा कि उसने इससे बेहतरीन, इससे आनंददायक कोई फिल्म इससे पहले देखा ही नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ड्रेस इज नियरली आउट, क्या होगा? वेयर, वोर, वॉर्न. दिस ड्रेस इज नियरली, बहुत दिन तक, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वॉर्न होगा, है ना? WORN, दिस ड्रेस इज नियरली वॉर्न आउट, है ना? बहुत ज्यादा पहने जाने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. तो बताइए, देयर वॉज डस्ट द कार्पेट, है ना? जैसे कार्पेट बिछाया जाता है ना, कार्पेट कोई बिछाया जाता है ना? तो कार्पेट के नीचे इनका कहना है कि भाई कुछ डस्ट है. क्या है? डस्ट है, ये कार्पेट है. तो कार्पेट के नीचे छोटे छोटे डस्ट तो हो ही जाते हैं, आप जानते ही है ना, कार्पेट के नीचे की बात मैं कर रहा हूं. ठीक है, तो इसके नीचे डस्ट है. तो कोई चीज जब पड़ी हुई है, जमीन हो या जमीन पर कोई चीज पड़ी हो या बिस्तर हो, उसके नीचे के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं. तो आप अगर यहां अंडरनीथ लगा देंगे, अंडर, NEATH, ठीक है, तो अंडरनीथ विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट जीरंड. आपको एक अप्रोप्रिएट जीरंड, जीरंड आप जानते हैं बच्चे, पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी, जैसे कि हमने गो लिख दिया, जब भी किसी हम मेन वर्ब में, ध्यान देना, किसी भी मेन वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वही होता है जीरंड होता है. जैसे हमने वर्ड लिया कि ड्रिंक, ठीक है, तो ड्रिंक में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये क्या हो गया? ड्रिंकिंग हो गया बच्चे, ना? क्या हो गया? ड्रिंकिंग हो गया. अब ध्यान दीजिएगा, ड्रिंकिंग, ये जो आईएनजी का फॉर्म है, ये किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा. याद रखिएगा, किसी भी मेन वर्ब में हम जब आईएनजी लगा देंगे तो ये जीरंड का काम करेगा. ठीक है, और जीरंड जो होता है वो इक्विवेलेंट टू नाउन होता है. अब आप बता ही सकते हैं बड़े आराम से, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, ही अवॉइड प्रोवाइडिंग, गिविंग, सेलिंग, टेलिंग, है ना? हर, He avoided telling her. तो right option क्या हो जाएगा? He avoided telling, TELLING. He avoided telling her about his plans. ठीक है? तो fill in the blanks in the following sentences with appropriate infinitive. आपको appropriate infinitive भरना है. तो बताइए right answer क्या होगा? I am always rewarded that difficult concept. And I am always rewarded, है ना? क्या होगा? Infinitive भरना है आप, तो आराम से आप समझ सकते हो कौन सा हो सकता है. Infinitive क्या होता है? तो ये भी समझ लीजिए कि main verb, है ना बेटा? Main verb के पहले जब हम क्या लगा देते हैं? To लगा देते हैं, तो वही हमारा इनफिनिटिव हो जाता है. क्या हो जाता है? इनफिनिटिव हो जाता है. जैसे कि हमने लिख दिया, गो लिख दिया और आपने इसके पहले टू लगा दिया, तो टू गो क्या हो गया? इनफिनिटिव हो गया.
और आप आसानी से समझ सकते हैं किसी भी मेन वर्ब के पहले टू लगा देने से वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, और इन्फिनिटिव जो होता है यह भी नाउन का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली सही आंसर क्या होगा, टू एक्सप्लेन। अब देखिए अगर आपने यहां लिख दिया टू ई एक्स पी एल ए आई एन, एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट। जैसे प्लीज एक्सप्लेन इट, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन वर्ड क्या है, इट इज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आपके हमने मेन वर्ब पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो इन्फिनेटिव हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, टू एक्सप्लेन होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट इन्फिनिटिव। इसमें भी हमें एक सबसे मोस्ट सुटेबल इन्फिनिटिव का रखना होगा, क्या होगा बताइए, कम ऑन, ही वॉज नॉट फिट द जॉब, ही वॉज नॉट फिट, क्या हो जाएगा, हमें इन्फिनिटिव रखना है ना कि didn't, he is not fit to do the job, क्या हो जाएगा, to do the job हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, he is not fit to do the job। मतलब अब देखिए do क्या है, मेन वर्ब है, do क्या है आपका, MV है, और हमने क्या लगा दिया, to लगा दिया, तुम्हारा ये इन्फिनिटिव हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, to do the job। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट जीरंड आर इन्फिनिटिव। देखिए अब इसमें एक ऑप्शन दे दिया गया है कि चाहे आप जीरंड रख लीजिए और चाहे आप इन्फिनिटिव रख लीजिए, इट्स अप टू यू। ओके, तो क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर मैनेज्ड द आर्टिकल दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, तो क्या हो जाएगा, द आर्टिकल, द शॉपकीपर मैनेज्ड, फाइंडिंग होगा, इन फाइंडिंग होगा, टू फाइंड हो जाएगा, टू फाइंडिंग हो जाएगा, द शॉपकीपर मैनेज्ड टू फाइंड द आर्टिकल, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, जब आप यहां पे टू लगा देंगे तो अपने आप आपको भाव मिल जाएगा, टू फाइंड, एफ आई एन डी। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से, द शॉपकीपर मैनेज्ड टू फाइंड द आर्टिकल दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, शॉपकीपर उस चीज को आसानी से पा सका जिसकी मैं तलाश कर रहा था। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माय मदर वुड नेवर डू एनीथिंग दैट अगेंस्ट हर कॉन्शियस, माय मदर वुड नेवर डू एनीथिंग दैट, है ना, तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वेंट हो जाएगा, माय मदर वुड नेवर वेंट, है ना, That went against her conscience. मेरी माता जी ने कुछ भी ऐसा आप तक नहीं किया जो कि उनके खिलाफ, अंतरात्मा उनके कॉन्सेंस के खिलाफ हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट जीरंड। अब आप देखिए फिर आपको जीरंड भरना है, He helped me in my luggage, expanding, carrying, supplying, cracking, क्या होगा सही आंसर, तो कैरिंग हो जाएगा, भाई कोई लगेज ले जा रहा है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं, सप्लाई करके तो नहीं, एक्सपेंड करके नहीं, क्रैकिंग करके नहीं, कुछ दूर उसके सामान को पहुंचा करके ही हम उसकी मदद अच्छे से कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, आप लगा देंगे समझ में आ जाएगा, सी ए डबल आर कैरिंग, ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, Complete the following sentences using appropriate form of the verb. The teacher asked the students whether they, है ना, तो they had solved. The teacher asked the students. तो ध्यान दीजिएगा, आप past indefinite tense का ही तो past perfect होता है, अब आप आसानी से इसको कर लेंगे. The teacher asked the students whether, चूंकि ये solved example है तो definitely had का प्रयोग होगा, whether they had solved the problems or not. ठीक है, अब आप यहां रख दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी तो आपने पढ़ा ही नरेशन, had s o l v e d, solved the problems, ठीक है, आर यू श्योर हियर, आर यू श्योर देयर aren't मोर लेटर्स टू पोस्ट, आर यू श्योर देयर aren't, आर यू श्योर, आर यू श्योर देयर aren't मोर लेटर्स, आर यू श्योर देयर aren't एनी लेटर, हो जाए क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव जो एनी होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, कैसा सेंस देता है, वो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, ओके,
है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एन अ टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप आसानी से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो हाउ मच अगर आप लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा. तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन गाइस? तो डेफिनेटली हाउ मच टाइम, कहते हैं हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव, हाउ मच टाइम इज गिवन फॉर अस, कितना समय हमें दिया गया है. ठीक है, तो मच हो जाएगा. अब बताइए, हाउ टाइम हैव यू आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेस. कितनी बार आपसे कहा गया है कि अपने महत्वपूर्ण रिसोर्सेस को वेस्ट मत करिए. बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन. तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हमने आपसे कहा है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेस. मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने प्रेशियस रिसोर्सेस को आप वेस्ट मत करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर रिमेंस टू बी डन, है ना. क्या हो जाएगा गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, कोशिश करिए, आंसर को सेंड करिए फटाफट, टाइप करते जाइए फटाफट और आंसर को सेंड करते जाइए. मैं आपके सारे आंसर को अच्छे से देखूंगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ूंगा. तो डेफिनेटली हजर, अ लॉट स्टिल रिमेंस टू बी डन. अ लॉट माने अ लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल रिमेन टू बी डन, राइट. नेक्स्ट, few students who had waited also left after a while. ठीक है, क्या हो जाएगा, definitely आप article द लगा दीजिए. अगर आप लगा के study करेंगे तो समझ में आ जाएगा, the few students, कुछ बच्चे है ना, the students who had waited, जो इंतजार किए, also left after a while, कुछ देर बाद उनको भी छोड़ दिया गया था. अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अ नॉलेज इज डेंजरस थिंग. बहुत ही फेमस कहावत है, आप लोग सब जानते होंगे. कम ऑन, आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूं. कम ऑन एवरीबॉडी, डेफिनेटली आप बता लेंगे एकदम, है ना. तो क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, माई बुक्स, ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग. क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है. कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए, कोशिश करिए. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली राइट आंसर विल बी वन ऑफ माय बुक्स इज स्टिल मिसिंग. दे लेफ्ट अबाउट आवर एगो, दे लेफ्ट, अरे भाई आर्टिकल है, इसे तो खूब पढ़ा है आप लोगों ने. कम ऑन एवरीबॉडी, ओके, they left an hour ago, they left an hour ago, please I'm coming within half an hour, wait an hour, do not wait more than an hour, right. ek do bar likh lijiye, char bar pad lijiye, apne aap sahi ho jayega aapka. All right, the next question will be, all of us were surprised. Preposition dalna hai aapko. Come on everybody, kar lenge aap log, bahut sara example karaya hu main. Sorry for that. All of us were surprised at, लगा दीजिए, best answer suit करेगा, है ना? All of us were surprised at, right? Come on. The right answer will be at. Oh my God. Wait a minute, please. ठीक है, the right answer will be at. Okay. Go for the next question. She congratulated. बहुत important question है भाई. बहुत आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में तो मस्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो शी कंग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस, क्या होगा, तो कंग्रेचुलेट ऑन होता है. अगर आप ऑन लगा करके आंसर को सॉल्व करेंगे तो एकदम समझ, ही शी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आई कंग्रेचुलेटेड यू ऑन, आई कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, यू कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस. दो बार लिख लीजिए, बोल लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी वर इनवाइटेड टी ऑन हर बर्थडे. तो क्या हो जाएगा, कम ऑन एवरीवन, बताइए राइट आंसर क्या होगा, हरी अप प्लीज. तो इनवाइटेड के साथ आप टू लगा दीजिए, इनवाइटेड टू, तो राइट आंसर वो भी सी, वी वर इनवाइटेड टू टी ऑन हर बर्थडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
We should not interfere other people live. We should not interfere, है ना? Interfere in किसी के भी, है ना? We should not interfere in other people's lives. किसी दूसरे के life में हमें interfere नहीं करना चाहिए. कौन कैसा रह रहा है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे जगता है. You should not say anything. Wait. Okay. थोड़ा सा let me minimize it. Then the question will be very much clear. Oh, wait a minute, please. Okay. So the building was soon covered flames. बताइए क्या होगा right option. Come on, everybody. तो covered with flames हो जाएगा. Right option हो जाएगा. Covered with flames. Next question होगा. The cat jumped the table. Come on, everybody. तो ये तो आप जानते ही हैं, बना ही लेंगे आप. बहुत सरल क्वेश्चन है गाइस. सरल सरल क्वेश्चन करने से भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है. तो क्या हो जाए, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. आप जानते ही हैं राइट आंसर होगा. वी शुड ऑलवेज बिलीव आवरसेल्फ. तो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्फ. हमें हमेशा अपने पर विश्वास करना चाहिए. आंसर को टाइप करके सेंड करो बच्चों, फटाफट. कम ऑन एवरीबॉडी, हर आंसर को टाइप करके सेंड करो. कम ऑन, hurry up please. अब बताइए क्या होगा. He threw the ball in the air. क्या हो जाएगा, he threw the ball in the air. तो क्या हो जाएगा, he अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Unless he harder, he will not success. तो unless he क्या हो जाएगा, आप जानते ही. Unless he tries, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता, तब तक जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि he left early, they would have reached by now. ठीक है. Come on everybody, बताइए क्या हो जाएगा. तो had they left अगर हम कर देंगे, तो had they left early, they would have reached by now. ठीक है. तो had का प्रयोग कर देंगे तो right हो जाएगा. Many of us since morning. तो भाई ये क्या होगा right option, भाई फटाफट. I'm just waiting your answer. तो many of us have been waiting. Many of us have been waiting since morning. हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं. तो राइट आंसर आपका यही होगा. ठीक है. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही. मैंने आपको आई हैव डिस्कस्ड नियर अबाउट है ना 35-45 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है. जिससे क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे. ठीक है गाइस. तो जो बच्चे हमारे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो प्लीज शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर डियर वन. राइट. एंड डू वन थिंग, एक काम और करिएगा, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक वीडियो इफ समथिंग यू आर रियली एंजॉयिंग, एंड इफ नॉट देन यू कैन डिसलाइक इट, नो प्रॉब्लम. एंड सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर ऑफ, गुड डे ऑल, थैंक यू सो मच.